गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ एंड ऑल आर डूइंग देयर स्टडी वेरी वेल. वेलकम इन आर वीडियो स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर नंबर 7, दैट इज बर्ड्स एंड देयर नेस्ट. बर्ड्स और उनके घोंसले, नेस्ट. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स. बर्ड्स हैव different nesting habits. Now today we will discuss all nesting habits of different birds. Birds start making their nest usually in the month of April. Birds अपना nest usually means ज़्यादातर April के month में बनाना start करते हैं. This is a very busy time for them. ये टाइम उनके लिए बहुत बिजी होता है. वो अपना घर बनाने में, अपना नेस्ट बनाने में बहुत बिजी हो जाते हैं. मेकिंग अ नेस्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. नेस्ट बनाना उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, मीन्स उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स. सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन अ स्पेशल वेज. डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स होती है. सबकी नेस्टिंग हैबिट अलग होती है. सब अपना नेस्ट अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ओके? और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो अपना नेस्ट कुछ स्पेशल तरीके से बनाते हैं. जस्ट हैव अ लुक इन दिस पिक्चर्स. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट, ओके? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट दैट इज़ मेड बाय अ बर्ड. इट इज़ ऑल्सो अ नेस्ट एंड This nest is made by a bird in the branch of a tree. Tree की branch को ही खोखला करके उसके अंदर nest बनाया गया है. Okay students, these are some pictures of beautiful nest that are made by different birds. Just have a look this nest. And this is made, all these nest are made by different birds using different materials like wires, twigs, straws, hair, cotton, okay? All these things are used by birds for making their nest. Have a look this nest. It's very beautiful nest, okay? The sparrow, sunbird and dove mostly work in pairs to make their nest. Sparrow, sunbird और dove, ये जो bird है ये mostly pairs में work करते हैं अपने birds को, अपने nest को बनाने में. Pairs means जोड़ा. Two birds मिलकर अपना nest बनाते हैं, okay? You must have seen a sparrow in your locality. It makes its nest between द ब्रांचेज ऑफ आ ट्री. आपने ज़्यादातर देखा होगा स्पैरो को, स्पैरो चिड़िया ये नेस्ट बनाती है ब्रांचेज के बीच में. जो ट्रीज़ की ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनके बीच में ये अपना नेस्ट बनाती है. एंड ऑन द टॉप ऑफ द अलमीरा, जो अलमीराज होती हैं, जो चीज़ें जहाँ पर हम ज़्यादा यूज़ थ्रू नहीं होती, हम लोग उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ओके? जहाँ की सफाई भी नॉर्मली नहीं होती, तो ऐसी छुपती हुई जगह पर ये अपना नेस्ट बनाती है. जैसे टॉप ऑफ द अलमीरा, अलमीरा के टॉप पर, बिहाइंड द सेल्फ, सेल्फ के पीछे, इन द मीटर रूम और एनी अदर सच कॉर्नर. किसी कॉर्नर में जो मीटर रूम होता है, जिसमें मीटर लगा होता है बिजली का, उसके बीच में, तो ऐसी जगह पर ये स्पैरो जो है अपना नेस्ट बनाना पसंद करती है, ओके? हैव अ लुक. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट डैट इज़ मेड बाय स्पैरोज. टहनियों, ब्रांचेस के बीच में, टहनी के बीच में बनाया गया है. ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की ब्रांच है. एक ब्रांच इधर जा रही है और सेकंड ब्रांच ऐसे जा रही है, और इन दोनों ब्रांचेस के बीच में जो स्पेस था, यहाँ पर स्पैरो ने क्या किया, अपना नेस्ट बनाया. ओके स्टूडेंट्स, अक्रो ऑल्सो मेक्स इट्स नेस्ट. क्रो अपना नेस्ट बनाता है. अक्रो यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ मटीरियल लाइक वायर्स एंड स्मॉल वुडन पीसेस टू मेक इट्स नेस्ट.
क्रो अपना नेस्ट बनाने के लिए वायर यूज़ करते हैं और स्मॉल वुडन पीस, वुडन के जो लकड़ियाँ होती हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़ों का यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। टॉप मोस्ट ब्रांचेस, जो ट्री की सबसे ऊंची ब्रांच होती है, सबसे ऊंची टहनी जो होती है टॉप मोस्ट पे, वहाँ पर क्रो अब नेस्ट बनाते हैं। ओके, जस्ट लुक इन द पिक्चर्स, इट्स अ क्रो एंड इट्स अ नेस्ट मेड बाय क्रो। हैव अ लुक, क्रो एंड इट्स नेस्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट मेड बाय क्रो। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आर दिस वीडियो। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड्स नेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।